नमस्कार, मैं शगुफ्ता खान और आप देख रहे हैं शुभ 24 न्यूज। राजस्थान न्यूज में आपका स्वागत है। सावधान, कोरोना फिर से पैर पसारने लगा है। चुपके चुपके फिर आ रहा है, मौत का तांडव चा रहा है। 21वीं सदी की सबसे बड़ी महामारी कोरोना का भारत में एक बार फिर से खौफ बढ़ने लगा है। पिछले कई दिनों से देश में कोरोना के मामलों में लगातार इजाफा देखने को मिल रहा है। इससे पहले देश में कोरोना धीरे धीरे दम तोड़ता नजर आ रहा था, लेकिन मौसम में बदलाव के बीच एक बार फिर से कोरोना के नए मामले तेजी से बढ़ने लगे हैं। कोरोना मामलों में बढ़ोतरी पिछले 7 हफ्तों से लगातार बढ़ रही है। पिछले कई दिनों से देश में लगातार कोरोना के 1500 से ज्यादा नए केस आए रहे हैं। कल के मुकाबले आज भी देश कोरोना के नए केस में तेजी दर्ज की गई है। पिछले 24 घंटे में देश में कोरोना के 2151 नए केस सामने आए हैं। ये पिछले 5 महीने में सबसे ज्यादा है। इससे पहले पिछले साल 28 अक्टूबर 2022 को देश में कोरोना के 2208 नए केस सामने आए थे। पिछले कुछ दिनों से देश में एक बार फिर से कोरोना मामलों में तेजी देखी जा रही है। देश में आज कोरोना के 2151 नए केस सामने आए हैं। इस दौरान कोरोना संक्रमण की वजह से 7 लोगों की मौत की खबर है। बीते 24 घंटे में महाराष्ट्र और केरल में 3 जबकि 1 व्यक्ति की कर्नाटक में कोरोना संक्रमण की वजह से मौत हुई है। इससे पहले पिछले दिन मंगलवार को देश में कोरोना के 1573 नए मामले आए थे, जबकि इस दौरान 5 लोगों की मौत हुई थी। यानी कल के मुकाबले आज देश में कोरोना के 578 ज्यादा नए केस सामने आए हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से आज सुबह जारी आंकड़े के मुताबिक बीते 24 घंटे में देश में कोरोना संक्रमण के 2151 नए केस सामने आए हैं। इस दौरान कोरोना संक्रमण की वजह से 7 व्यक्तियों की मौत की खबर है। वहीं इस दौरान कोरोना वायरस के संक्रमण को 1222 लोग मात देने में कामयाब रहे, यानी स्वस्थ हुए। इसके साथ ही देश में कोरोना के एक्टिव केस की संख्या बढ़कर 11903 हो गई है। इस तरह पिछले 24 घंटे में एक्टिव केस की संख्या 922 की तेजी दर्ज की गई है। हालांकि लोग अब कोरोना को भूल चुके हैं, लेकिन दबे पांव देश में दाखिल हो रही इस महामारी में एक बार फिर सबके कान खड़े कर दिए हैं। देश में भले ही इन दिनों राहुल गांधी का तमाशा चल रहा है, लेकिन चुपके चुपके कोरोना की आहट ने नई तबाही के संकेत दे दिए हैं। अब देखना यह होगा कि इस राजनीतिक दंगल से परे होकर क्या सरकार आम जनता के स्वास्थ्य की चिंता भी करती है या फिर चुनावी साल की योजनाएं बनाती रहेगी।